और इस दरबार में बड़े भाव के साथ में हम सभी मिलकर के आज प्रभु का गुणगान करते हुए हेलो होले लो जी ले लो ले लो रे भाईड़ा रे ले लो राम जी रोना निमंत्रण नहीं दिया जाता और जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं। ऐसे धर्म ऐसे दरबार में हम विराजमान हैं तो बड़े भाव से जगत पिता ब्रह्मा को सिमरो Oh,
इन दरबार में इन सत्संग में गौ माता ने नाम लिया भक्ति संध्या है, और इन भजन संध्या में आप ही सभी मिलकर के बड़े भाव मन आज एक संकल्प लेता हुआ कि जीवन जीवन में कहीं भी हो सके थोड़ा बहुत जो भी होवे गौ माता के लिए गौ माता की रक्षा के लिए आप जो भी हो पावे वो हो जाए तो आप जीवन तो बेड़ो पार है, जीवन तो उद्धार है। बाकी घर में प्रांगण में छोटा बच्चा हो गया, बच्चा ने कतरा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लो, कतरी भी महंगी बढ़ाई करा दो, और वणी ने जटा तक या एक लाइन याद नहीं रहे वेला सारी बढ़ाई बेकार है, और एक लाइन वह हिंदू संस्कृति की जो धरोहर है रामायण में चौपाई बड़ी सुंदर गाई हुई है। हर घर में अगर बच्चा ने याद है तो घर में बिल्कुल उन घर में सुख शांति है, हर भगवान की भगवान हर मनोकामना पूर्ण करे। जिन घर में आदर्श है, जिन घर में मर्यादा है, वो घर दूसरा की सेवा में समझे, गौ माता की सेवा में समझे। तो बिल्कुल आज इन दरबार में आप ही सभी मिलकर के बड़े ही भाव रामायण की चौपाई गाता हुआ और मीठी मीठी ताली के साथ में सभी हाजिरी लगाता हुआ मंगल जो रोज भजन संध्या होती है वो भजन संध्या अलग है। आज केवल हम गौ माता के लिए और गौ माता के लिए कुछ हो सके वैसा करेंगे, बाकी रोज जो आप नाचते गाते हैं वैसा थोड़ा आज कम है। आज गौ माता के लिए, गौ माता की भक्ति के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़े भाव से सभी गाइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की बोले गौ मात की कलयुग के बोले भगवान की जय हो, बोले गौ माता की जय हो।